गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छिंदवाड़ा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में इमलीखेड़ा गोंडवाना गोटुल में बैठक हुई संपन्न। प्रदेश महामंत्री जौहरीलाल इनवाती जी, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण ध्रुवे जी की उपस्थिति में आज सैकड़ों लोगों ने गोंडवाना गण पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसमें 10 ब्लॉक प्रभारी नियुक्त किए गए, जिसमें पार्टी जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी श्री प्रसाद जी, कृष्ण कुमार ध्रुवे जी, संदीप इनवाती जी, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष अरब सिंह टेकाम, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष रामेंद्र उइके जी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कमल सिंह, जिला उपाध्यक्ष कृष्णा सल्लाम, रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सालक पंडराम जी, एससी के मोर्चा जिलाध्यक्ष रामदास बघेल जी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष रीता तुमडाम जी, विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बालेश्वर मरकाम जी 20 से 25 मार्च के बीच छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, जिसमें रोड शो के माध्यम से ईवीएम का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। गोंडवाना की सभा में बीजेपी कांग्रेस के झूठे वरिष्ठ नेताओं को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में दिलाएगी सदस्यता। छिंदवाड़ा पांडुना लोकसभा क्षेत्र 16 से सांसद प्रत्याशी देव रावेन भला भी हो सकते हैं। बैठक में प्रस्ताव पास कर प्रदेश अध्यक्ष को भेजा गया है। जिला ब्यूरो राजा मंसूरी की खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिला स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। जैसे की हमने न्यूज और सोशल मीडिया में सभी से इस बारे में जानकारी दिया था कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जिला कार्यकारिणी का गठन और बाकी ब्लॉक कार्यकारिणी संबंधित सदस्यता संबंधित चर्चा आज यहां पर संपन्न हुई और कुछ लोगों को जिम्मेदारी सौंपा गया। अगली विषय में यह भी चर्चा हुआ कि जो बीजेपी और कांग्रेस के रूठे कार्यकर्ता है वो बड़े रूप में एक प्रोग्राम करने का जिला स्तर में एक तारीख निश्चित की गई है। 20 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तोलेश्वर मरकाम जी को यहां पर आमंत्रित करेंगे। आमंत्रित करने के पश्चात बीजेपी और कांग्रेस के जो रूठे कार्यकर्ता है उनको बड़े मंच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में सदस्यता दिलवाया जाएगा, जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और साथ ही लोकसभा चुनाव संबंधित यहाँ पर चर्चा संपन्न हुई, जिसमें बड़े रूप में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पांडुना जिला और छिंदवाड़ा जिला संयुक्त रूप में अपने एक मजबूत प्रत्याशी को उतारकर इस बार बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ने के लिए यहाँ पर तैयार हुई है, जिसके लिए पूरी रणनीति यहाँ पर तैयार हुई। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम नवनियुक्त पदाधिकारियों को। मैं बधाई भी देना चाहता हूँ कि गोंडवाना के इस महान आंदोलन में दादा हीरा सिंह मरकाम जी के मिशन को पूरा करने के लिए, गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन को मजबूत करने के लिए आपने जो जिम्मेदारी स्वीकार करी, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई।